जब अपने खाते में 10 करोड़ रुपया युवती ने देखा तो उसके होश उड़ गए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक युवती के बैंक में आए 10 करोड़ रुपए। युवती के खाते से अब तक हो चुका है 17 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन। हालांकि बैंक का कहना है कि युवती के खाते से 10 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं युवती का कहना है कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के दिलाने के नाम पर कानपुर के रहने वाले एक युवक को अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स के अलावा जरूरी कागजात दिए थे। जब बैंक में गई तो उसे बताया गया कि उसके खाते में करीब 10 करोड़ रुपए हैं, जिसके बाद उसने इसकी जांच के लिए पुलिस में शिकायत की। दरअसल पूरा मामला बासडी थाना क्षेत्र के रुकुनपुरा गांव की रहने वाली सरोज का है, जिसका इलाहाबाद बैंक में खाता है। युवती का कहना है कि जब वो बैंक में अपने बैलेंस की जानकारी लेने गई तो उसने बताया कि उसके खाते में 10 करोड़ रुपए हैं, जिसके बाद युवती द्वारा पुलिस को तहरीर देके इस मामले की जांच कराने की मांग की गई। युवती ने पुलिस को दिए गए तहरीर में कहा कि उसने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कानपुर के रहने वाले किसी नीलेश नाम के व्यक्ति को अपना बैंक डिटेल और डॉक्यूमेंट्स दिए थे, बाद में एटीएम कार्ड भी दे दिया था। वहीं इस मामले में बैंक का कहना है कि युवती का खाता 2018 में खुला था और इस समय उसके खाते में महज 5,000 हैं और अब तक 17 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो गए हैं और उसके खाते से 10 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी गई है। युवती को सुनने में कंफ्यूजन हुआ होगा। इस मामले में युवती द्वारा 10 करोड़ रुपए खाते में होने की बात और बैंक द्वारा 17 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन की बात को लेकर युवती ने पुलिस को तहरीर देकर जांच की मांग की। आखिर यह पैसा और ट्रांजेक्शन कहां से हुआ? आप देख रहे हैं बनिया से नवल जी की रिपोर्ट। और हमारा नाम सरोज है। पिताजी का नाम सुबेदार साहनी। कहां के रहने वाले हैं? रुकुनपुरा के। क्या मामला है सर? हम 24 तारीख को, अगला महीने में 24 तारीख हमने गए अपना खाता चेक करवाने। हमने सोचा कि मोदी जी दे रहे 500 रुपया, तो इसीलिए मैंने खाता चेक करवाने गए। कौन सा बैंक में? इलाहाबाद बैंक में। कहाँ पे? अपने गांव मार्केट में, छोटे बैंक पर गए। बड़ा बैंक आपका कहाँ पर है? बड़ा बैंक बासडी पर है जी। तब क्या हुआ? तब वो बोले कि जाकर बड़ा बैंक में समझ लीजिए। तो हमने बड़ा बैंक में गए तो वहाँ पर जाँच करवाए तो उसने हमको फ्रॉड कहा। किसने फ्रॉड कहा आपको? बैंक मैनेजर ने हमको फ्रॉड कहा और बोला कि तुम फ्रॉड लड़की हो। वो हमारा पासबुक और आधार कार्ड के फोटो कॉपी रख लिया एक हफ्ता तक ले, और एक हफ्ता हमको फ्रॉड और के उसको बात को हमने कान नहीं किया, उसको वो गाली को हमने जवाब नहीं दिया। वो गाली दिया हमको, फ्रॉड कहा और बोला कि तुमको जेल फांसी सब कुछ होगा। हमने कहा कि सर हमको जेल फांसी क्या होगा, तो क्यों होगा? तो कहा था कि हम भी बचा सकते हैं, हम भी चाहेंगे तो तुमको जेल करवाएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे बोल के हमारे पासबुक और आधार कार्ड रख ले लो, आधार कार्ड के फोटो कॉपी या पासबुक के फोटो कॉपी रख ले लो, कॉलेज के हमें एक हफ्ता बाद बुलाएं। एक हफ्ता बाद गए के बाद कहा नहीं कि सर इसको जांच पड़ताल किए कि पैसा कहाँ से आया है। कितना पैसा रो खाता में आयल हुआ? 10 करोड़ रुपया में कुछ रुपया कम बा। अच्छा। तो बोलनी कि सर इसको जांच पड़ताल किया कि पैसा कहाँ से आया है। तो कहते कि हम नहीं जानते कि पैसा कहाँ से है। हम कहते सर हम यहाँ पर खाता खुलाए थे ही ना, हम पूछेंगे कहाँ से पैसा है। तो बोले कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो हमने भाभी को लिया कर गए, तो भाभी को भी उल्टा सीधा बोल दिया कि आप भी इस बीच में मत पड़िए, नहीं तो आप भी जेल जाओगी, आपको भी जेल फांसी सब कुछ होगा। यही तो बात है। अगर जब आपको पता चला कि आपके खाते में 10 करोड़ रुपया आ गया, तो उसके बाद आपने क्या किया? किसके पास गए? कहाँ पर एप्लीकेशन दी आपने? पुलिस चौकी। कहाँ? भाभी को थाना लेकर गए, भाभी को लेकर थाना गए। भाभी हमारी थाना में एप्लीकेशन लिखवा कर डाली जी। हाँ, तो थाने से दिया। उसके बाद क्या हुआ? थाने वाले क्या बोले आपसे? थाने वाले कुछ नहीं बोला। अच्छा, कितने तारीख को आपने एप्लीकेशन दिया थाने में? 21 तारीख को। थाने वाला बोला कि जाकर पैसा उतारो, कुछ नहीं होगा तुमको। तो ये कैसा पैसा है, कहाँ से आया है? हमको पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आया है। हम तो बैंक मैनेजर से बोला कि इसको जांच पड़ताल करिए, तो उल्टे हम पर जबरदस्ती डाल रहा है, बोला कि तुमको जेल फांसी होगा, तुम फरार लड़की हो। कौन सा बैंक है ये? इलाहाबाद बैंक है। कहाँ पर है ये? बासडी पर। कितने दिनों पहले पैसा आया है? अगला महीना में 24 तारीख को चेक कराया। अब इसको पता नहीं, 24 तारीख को अगला महीना में मैंने चेक कराया तो ये पता चला।
क्या आपने पैसा निकाला नहीं उसमें से? नहीं, हम एक भी रुपया उसमें से नहीं निकाला। तो हमने बोला कि वो हमारे पैसे से उसको कोई लेना देना नहीं है, हम जितना में उतना ही में अपना सब कुछ बिताता हूँ, खाता हूँ पीता हूँ, इसी इतना ही में अपना सब कुछ बिताता हूँ। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा तो गवरेज के काम करते हैं। कितना पेमेंट मिलता है उनको? 10,000। और आप क्या करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। पढ़ती नहीं है आप? नहीं। अच्छा, और आपकी माँ? माँ भी कुछ भी नहीं करती है। मेरा नाम सरोज कुमार सिंह है, मैं यहाँ का खाता प्रबंधक हूँ। जी, मैंने साहब आपके यहाँ के खाता धारक जिसका नाम सरोज है, कल पेपर में निकला है कि उसके अकाउंट में 9,99,00,000 नियर अबाउट लगभग 10 करोड़ रुपये है, क्या मामला है? नहीं नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ एक नीत सरोज नाम की लक्षी का ग्राहक सेवा केंद्र से खाता खोला गया। उस खाते में ब्रांच को कहीं से सूचना प्राप्त हुई कि उसके खाते में सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से बैंक ने सूचना के आधार पर इसके खाते में एक अनुमानित राशि 10 करोड़ का होल्ड लगा दिया, जिससे कि फर्दर इसे कोई निकासी नहीं था, इसके खाते में कभी भी उतना बैलेंस नहीं था। अरे सर, ये खाता कब खोला गया था? ये खाता आपको 2 अगस्त 2018 को खोला। कितने का ट्रांजेक्शन हो गया अभी तक? अभी तक इसके खाते में लगभग 17,59,000 के आसपास का ट्रांजेक्शन। कितना अवेलेबल बैलेंस है अभी इसके खाते में? 5,263 रुपया। जो इसके अकाउंट से डेबिट हो रहा है बैलेंस, कहाँ कहाँ किस स्टेट से, चाहे एटीएम से हो रहा है कि बैंक से डेबिट हो रहा है? जो मैक्सिमम देखा गया है उसमें एटीएम के द्वारा ही है, कैश की निकासी होती है, कैश निकासी एटीएम के द्वारा ही होती है। कौन से स्टेट से हो रहा है सर? स्टेट की तो पासबुक प्रिंट के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, पासबुक अपना प्रिंट करवाई है कि नहीं। जी, मैंने सर लास्ट टाइम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि उसके खाते में लगभग 10 करोड़ रुपये अमाउंट है, आखिर में वो कैसे जान गई कि मेरे खाते में 10 करोड़ रुपया है, क्या मामला, कहाँ से उसको पता चला? हो सकता है कि शाखा में आके प्राप्त की हो, उससे सूचना प्राप्त की हो, तो उसके खाते में चूँकि 10 करोड़ रुपये है, उससे सूचना प्राप्त हुई थी तो होल्ड कर दिया गया था, उसके वजह से वो हो सकता है कन्फ्यूजन में जो है उसको अपना बैलेंस नहीं रहती है, जबकि उसका वो बैलेंस नहीं है, बैंक ने एक अनुमानित राशि उसके खाते में जी। मैंने सकते हैं क्या कि कब इन्फॉर्मेशन आई थी बैंक को कि इस अकाउंट नंबर से फ्रॉड हो रहा है, और किसके द्वारा होल्ड लगा दिया गया था? नहीं, होल्ड तो शाखा के द्वारा लगाई गई है, लेकिन 15 फरवरी 2020 को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर होल्ड लगाया। सर, क्या कोई लिखित है? ओवर टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई थी, जैसे कि प्रीवियस ब्रांच हेड से बात हुई तो उन्होंने बताया, उसी के आधार पर होल्ड मार्क। बैंक का कोई IPC ऐसा एक्ट है जो फोन के द्वारा सूचना मिली तो बैंक में अकाउंट पर होल्ड लगाया जा सकता है? नहीं, सूचना प्राप्त में जब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो उसी आधार पर होल्ड लगाया जाएगा। तो फोन कर दिया जाएगा किसी के अकाउंट पर होल्ड लग जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं सर, जब बैंक को जेन्युइन कोई ऐसी सूचना मिलती है जो पहले कस्टमर की ध्यान में रखते हुए कि फर्दर इसमें कोई निकासी ना हो पाए, इस वजह से। तो इस बात को आप मानते हैं कि कहें कि अकाउंट को होल्ड कर दिया जाए तो आप लोगों के द्वारा होल्ड कर दिया जाएगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होती है कि जब ऑथेंटिक सूचना प्राप्त होती है उसके बाद ही जो है। तो इस बात को क्या मानते हैं कि आपके द्वारा जो मैनेजर साहब के द्वारा पहले पूर्व मैनेजर थे उनके द्वारा होल्ड लगा दें, कहाँ तक सही है अकाउंट को होल्ड लगाना? पर सूचना प्राप्त होने के बाद तो होल्ड लगाना बैंक का सबसे पहला प्रायोरिटी हो जाता है, जिससे कस्टमर का पैसा सेफ है,